ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सीएए और एनआरसी के खिलाफ देवबंद में औरतों ने खुला मोर्चा, ईदगाह मैदान में चल रहा है धरना प्रदर्शन। सीए संभावित एनआरसी और एनपीआर के विरोध में फतवों की नगरी देवबंद में सड़कों पर उतरी महिलाएं। खवातीन एक्शन कमेटी के बैनर तले तिरंगे हाथ में लेकर सरकार विरोधी नारों के बीच निकाला मार्च। जी हां, जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन बिल व एनआरसी का विरोध देश में कई जगह चल रहा है, वहीं अब फतवों की नगरी देवबंद की महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मार्च निकाला। उनका कहना है कि हमें आज़ादी चाहिए, आखिर ये सब मुसलमानों के लिए ही क्यों है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था? हमारे बुजुर्गों ने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज भी आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों के नाम शामिल हैं और वे लोग ये कहते हैं कि हम देश विरोधी हैं और ये लोग देश के नागरिक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ रहने का हमारा पूरा हक है और ये कानून हमें काला कानून लगता है और इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और आज हजारों की संख्या में देवबंद में हम सब महिलाएं इस कानून के विरोध में इकट्ठा हुई है, जिसके चलते पहले भी कई जाने गई है और इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। ये हमने ये लेडीज प्रोटेस्ट निकाला है सीएए के खिलाफ, जो मोदी और शाह ने ये बिल पास किया है उसके खिलाफ ये एहतजाज है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। तो आगे कब तक ये एहतजाज चलता रहेगा? ये जब तक चलेगा जब तक वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस एक्ट को वापस नहीं लेंगे। आप मानते हैं इसको काला कानून है? बिल्कुल काला कानून है, उन्होंने एक धर्म को निकाल के बाकी लोगों को इंक्लूड कर लिया है इस चीज में, ये बिल्कुल खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे एक धर्म को अलग कर सकते हैं? क्या नाम एनआरसी और सीए के लिए ही कर रहे हैं, जब जामिया जेएनयू भी बैठा है तो क्या नाम हमारे यहाँ से भी कुछ होना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। तो कब तक ये एहतजाज चलता रहेगा? जब तक ही चलेगा इंशाल्लाह, जब तक वो लोग वापस नहीं लेंगे इसको। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि देश के रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं, क्यों नहीं, ये बात नहीं।